जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों। लाडलो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं एसएससी जीडी की नई वैकेंसी को लेकर कि जो सर एसएससी वाली नई वैकेंसी है इसकी तैयारी कैसे करें। एक तो ये बात, एक इसमें एज कितनी रहेगी, कब तक ये वैकेंसी आएगी, इन चीजों को लेकर बहुत सारे वीडियो भी आपने देखे हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। और जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनकी अभी एज कितनी होनी चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी बच्चे अपना मकसद बना रखे हैं एसएससी जीडी को, एक तो मैं आपको बता देता हूं एसएससी जीडी जो 2024 है या एसएससी जीडी जो है ये 4 साल वाली नौकरी नहीं है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम है कि एसएससी जीडी भी 4 साल की नौकरी है। नहीं, 4 साल की नौकरी नहीं है, इसमें आप 57 साल की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं। कितनी साल की उम्र तक? 57 साल की उम्र तक। और कम से कम आपको 18 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। कैश में पेंशन सुविधा नहीं, एनपीएस सुविधा है, न्यू पेंशन सिस्टम। अब आते हैं कि इसकी तैयारी किस एज ग्रुप वाले को करनी चाहिए। देखिए, जिन बच्चों की अभी एज 17 प्लस हो गई है उन सभी को एसएससी जीडी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगली जो वैकेंसी आएगी, अगर मान लीजिए अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर तक आती है, तो इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है उस तिथि तक आपकी एज 18 होनी चाहिए। तो उन बच्चों को ऊपर जो एज क्राइटेरिया वो 23 साल है, हो सकता है कि सरकार इसमें 1-2 साल का एज रिलेशन भी दे दे, चांसेस है, क्योंकि पिछले साल एक साथ 3 साल का दिया है, तो हो सकता है कि इस बार 1-2 साल का तो कम से कम एज रिलेशन इसमें दे ही दे सरकार, क्योंकि अभी सरकार युवाओं के प्रति रोजगार देने के माध्यम में काफी जागरूक है, तो हो सकता है कि आपको ये मौका मिल जाए। इसकी तैयारी किस किस बच्चे को करनी चाहिए, देखिए, अगर आप अभी जीरो यानी बिल्कुल जीरो हो और अगर आप चाहते हो कि ऐसे जीडी में सिलेक्शन हो, तो आप इस समय से तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसकी मेरिट के आंकड़े तो देखते हो, अभी आपने देखा होगा इसकी मेरिट 160 नंबर का इसमें पेपर हुआ था, यानी 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो कितने नंबर के हो गए? 160 नंबर के हो गए। मेरिट कई राज्य से 135 136 ऐसी मेरिट रही है, देखने में बहुत बढ़ेगी, 80% नंबर लाने पड़ेंगे, 80 से ऊपर लाने पड़ेंगे, हर एक राज्य की अलग अलग मेरिट रहती है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो मैथ्स के आते हैं 20 क्वेश्चन, कितने नंबर के? 40 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सेम रीजनिंग के आते हैं 20 क्वेश्चन, सेम हिंदी के आते हैं 20 क्वेश्चन, और जो जीके उसके भी आते हैं 20 क्वेश्चन। लाड लो, ध्यान रखना, ये 20-20 क्वेश्चन आते हैं 4 चैप्टर के, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, इंटू 2 कर लीजिए 160 नंबर के हो गए। अब एक बात का ध्यान रखिए, 160 में से जैसे 135 में मेरिट लगी है, 140 पर भी कई जगह मेरिट लगी है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब नंबर लाने पड़ेंगे, पेपर बहुत आसान आता है इसका, बहुत इजी। यानी जो बच्चा 10th में मान के चलिए जिसके अगर 40% भी, अगर वो भी ठान ले कि मुझे ऐसे जीडी का पेपर निकालना है, तो वो भी निकाल देगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में इसमें केवल मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां, ऐसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार, मेरी ओल्ड पेपर की एक बुक आ गई है, ठीक है, एसएससी जीडी ओल्ड पेपर की बुक आ गई है, आप फ्लिपकार्ट से उस बुक को ले सकते हैं, लिखना एसएससी जीडी ओल्ड पेपर शोल्ड, उनको पेपरों को आप देखना एक बार, बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान। यानी हिंदी में मैं गारंटी लेता हूं आप में से कोई भी बच्चा जो अब तक तैयारी नहीं किया वो भी 20 में से 16 क्वेश्चन सही कर देगा, जो तैयारी नहीं किया है, ठीक है। सेम जीके में भी बहुत आसान आता है, कोई वर्ल्ड वाइड जीके, इसमें पूरे वर्ल्ड का 1 से 2 क्वेश्चन, बाकी पूरा पूरा इंडियन जीके, और बहुत मोटा जीके है, मतलब कहने मतलब बहुत आसान जीके है, विख्यात चीजों पर जीके है, करंट जीके के 1-2 क्वेश्चन है। रीजनिंग में आकृतियों वाले क्वेश्चन है 10-10, तो जिसमें आकृति बतानी है, यानी बहुत आसान पेपर होता है इसका, रीजनिंग का भी आती है, तो उसकी अगर आप आज से तैयारी करोगे, अभी आपके पास में 5-6 महीने का समय है, इसीलिए हमने अभी से अग्रिम बैच चलाया। आप कमांडो एकेडमी का एप्लीकेशन किसी ने अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया है वो डाउनलोड कर लो, लाड लो, अग्रिम बैच के नाम से बैच शुरू होने वाला है 1 तारीख से, उस बैच में जुड़ जाना, मेरी गारंटी है, आप जो बच्चा अभी जीरो है गारंटी है 3 महीने बाद में वो बच्चा एसएससी जीडी के पेपरों में इस प्रकार का स्कोर करने लग जाएगा, 100 प्लस स्कोर की तो मेरी गारंटी है, क्योंकि इसका जो पेपर है वो बहुत आसान है। आप नंबर देखते हो, पेपर देखो एक बार पहले, ठीक है, जो मैंने बताई ओल्ड पेपर वाली बुक को मंगाना, आप एक बार देखना और फिर आप मेरे को बताना कि सर आप आराम से उसमें नंबर ले आओगे, चेक तो करना एक बार,
गारंटी है मेरी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, पेपर इसमें बहुत आसान आता है, कोई संदेह नहीं है कि आप इसकी तैयारी अच्छी नहीं कर सकते, 100% सिलेक्शन पा सकता है जो बच्चा आज तक तैयारी नहीं किया। अगर अभी से आप जुड़ गए, अभी अग्रिम बैच एसएससी जीडी के लिए चला रहे हम अभी से, इसमें लगभग महीने आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये बैच रहेगा, आज ही ज्वाइन कर लेना। 1 सितंबर से इसमें क्लासेस शुरू होगी, उसके साथ में एसएससी जीडी की 5 बुक कॉम्बो है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको लेनी है और फिर तैयारी करनी है। आप उसके बाद में एसएससी जीडी का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, गारंटी है मेरी आप ये स्कोर ले आओगे, ठीक है। बहुत आसान पेपर आता है, तो तैयारी कोई भी कर सकता है, जो आर्ट्स की सब्जेक्ट जिनके हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, ध्यान रखना लाडनो इसमें मैथ आपके वो वाली नहीं आती है जो आप सोच रहे हैं, एडवांस मैथ नहीं आती, बेसिक मैथ आती है, इसमें से साधारण ब्याज या नॉर्मल जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है ना, उन प्रश्नावलियों के क्वेश्चन है ये। आप एक बार किताब खोलना तो सही है एसएससी जीडी की, फिर आप बताना, मैं बोल रहा हूं गारंटी लेता हूं, आप 3 महीने उस बेस से तैयारी कर लो, 3 महीने बाद में आप एसएससी जीडी का कोई भी पेपर दे लेना 100+ नंबर की, तो मेरी गारंटी है, फिर आपको बस अपनी तैयारी में थोड़े से 4 चांद लगाने, मेहनत करनी है, 100% सिलेक्शन ले लोगे, अभी सही समय है ये, ठीक है। आपको वहां पे डेमो के पहले 1-2 आप ऐसा करिए, कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां डेमो वीडियो देखना पहले, आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ पक्का 100% हम सिलेक्शन ले लेंगे। बाकी मैं बैठा हूं आपको एक एक चीज जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए किताबों में, उससे बाहर एसएससीडी का पेपर नहीं होगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आप एक बार तैयारी शुरू तो करो, जिनकी भी एज 17+ हो गई है वो एसएससीडी की तैयारी आज से शुरू कर देना, ठीक है। जिनकी एज 23 या 24 साल तक है जनरल कैटेगरी, अगर ओबीसी से 26 साल तक है, अगर एससी एसटी का 28 साल तक है, उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है एसएससी जीडी की। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी आपकी वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। लाडलो, जय हिंद जय भारत।